हेलो एंड वेलकम टू वाहन ऑफिशियल। दोस्तों आज हमारे पास आए हुए हैं ओल्ड क्रेटा के ओनर सर। आपका शुभ नाम? कन्हैया चौधरी। कन्हैया चौधरी जी आए हुए हैं। सर आप कौन सा वेरिएंट यूज़ कर रहे हैं क्रेटा के अंदर? 2019 है। तो इसमें सर पेट्रोल है या डीजल है? डीजल का। तो सर यूज़ कर रहे हैं ह्युंडई क्रेटा का 2019 का डीजल वेरियंट। तो सर से आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इनका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या है, किस तरीके का ये रिव्यू देते हैं इंजन के रिगार्डिंग, माइलेज के रिगार्डिंग, सर्विस के रिगार्डिंग, और जो भी इनको लगता है वो अपने हिसाब से फीडबैक बताएंगे आज। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंजन से ही। तो सर आपको डीजल में किस तरीके का इंजन परफॉर्मेंस है वो आप ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताएं। डीजल में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, बस इसका थोड़ा पिकअप और तेज़ हो सकता था, बट कोई इशू नहीं आता, आराम से कहीं भी ले जा सकते हैं इसको। मतलब सिटी कंडीशन में जनरली आप ड्राइव कहाँ करते हैं? मतलब मोस्टली सिटी में ही ड्राइव करता हूँ। सिटी में ड्राइव सिटी कंडीशन में थोड़ी इसकी क्लच टाइट है, क्लच टाइट हिसाब से स्टार्टिंग से ही ऐसी थी। स्टार्टिंग से थोड़ी सी ऐसी ठीक है, तो क्लच में थोड़ी सी इनको दिक्कत है, ये जो स्टार्टिंग से ही कह रहे हैं। साथ साथ इसमें आप बताइए कि कभी आप इसको हाईवे वगैरह पे भी लेके गए हों, तो वहाँ पे किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस रहा है? 180-190 आराम से पहुँच जाती है, मतलब एक हाई स्पीड में गाड़ी आराम से पहुँच जाती है वहाँ पे, आपको गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आती नहीं। तो मतलब हाई स्पीड में ये अभी भी गाड़ी स्टेबल है और बहुत खास कोई आपको दिक्कत नहीं आती है। तो इसमें सर माइलेज की रिगार्डिंग क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके का माइलेज आता है सिटी के अंदर और अपने हाईवे के अंदर? माइलेज 15-25 आराम से चला जाता है, बट डिपेंड करता है, टायर थोड़े अलग हैं तो इस वजह से माइलेज कम ही रह जाता है। ठीक है, अभी टायर भी आपको दिखाएंगे, स्पेशली क्योंकि टायर सर के अलग हैं तो टायर्स को भी दिखाया जाएगा, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। 15-22 तक माइलेज पहुंच जाती है अप्रॉक्स मैक्सिमम। ठीक है, तो इसके अलावा सर आप बताना चाहें कि गाड़ी में आपको क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी है जब से आपने क्रेटा बाय करी है? कम्फर्टेबल है, चलाने में कोई इशू नहीं आता, कहीं जमीन वमीन में टिकती नहीं है, आराम से जितना मर्जी खींच सकते हो, स्लो भी चलती है, काफ़ी ठीक चलती है, मतलब ऑल ऑन एवरेज काफ़ी अच्छी है। मतलब अगर मैं कहूँ कि अगर आपको कोई कहे कि क्रेटा जो है एक बार फिर से बाय करनी है तो कोई इशू नहीं होगा, आप कर सकते हो, है ना, क्रेटा ही कर सकते हो दोबारा से, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा सर आप बताएं थोड़ा सा कि सर्विस के बारे में, कि आप सर्विस पहले कहाँ से, किस रीजन से कराते हैं, मतलब दिल्ली से कराते हैं, एचआर से कराते हैं, किस जगह से? आउट ऑफ एनसीआर कराता हूं। आउट ऑफ एनसीआर ही कराते हैं, तो कोई इशू नहीं होता सर्विसिंग में, हार्डली 2-3 घंटे लगते हैं और फ्री करके देते हैं लोग, ज़्यादा कॉस्टिंग भी नहीं होती। ठीक है, मेंटेनेंस ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये रिव्यू, आप हमें ज़रूर बताएं। सर्विस का रिव्यू हम आपसे आपको ज़रूर शेयर करेंगे लेकिन कुछ दिनों के बाद, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे कि सर्विस का क्रेटा में किस तरीके का रिव्यू रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द लौटेंगे ऐसी की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।